answers far away, but I'll stay. गुड मॉर्निंग। तो आज मेरे घर पर सुबह सुबह डिलीवरी हो गई है स्पीकर की। जैसे कि आपने कल का ब्लॉग देखा होगा, वहाँ से मैं फ्रायर तो उठाकर लाई थी, पर जो स्पीकर है जो मैंने ख़रीदा था वो उन लोगों ने अभी भेजा। तो मिस्टर राज पूरा टाइम स्पीकर 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 कर रहे हैं, और अच्छी बात ये है कि स्पीकर माइक के साथ आया है, तो कैरी ओके कर लो या जो चाहिए वो कर लो। तो बस वही माहौल मेरे घर में चालू है, बट जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से मैं इस बार नहीं चल रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम का लोड ज़्यादा है। सुबह उठकर वीडियो वगैरह पब्लिश किया है, सब काम किया है, अनिका को भेजा है, अभी मैं नहा धो चुकी हूँ, पूजा वगैरह हो चुकी है, अब मुझे लंच बनाना है। एंड एक्चुअली आज मुझे ऑफिस जाना था, बट राज ने स्पीकर के चक्कर में मुझे बहुत लेट करवा दिया, तो मुझे नहीं पता मैं ऑफिस जा पाऊँगी कि नहीं, बट मैं थोड़ा लेट हो चुकी हूँ। तो चलिए खाना बनाते हैं, लंच बनाते हैं। आई थिंक बहुत दिनों के बाद मैं अपना लंच ब्लॉग दिखा रही हूँ, राइट? चलिए बनाते हैं। हो गया? अरे खाना खाते गाना गा। सो कल रात तक फ्रायर हो रहा था, और सुबह होते ही बेचारा पुराना भी हो चुका है, और स्पीकर जो है अभी छा गया है, तो अभी स्पीकर चल रहा है। तो जब भी मेरे घर में कोई नई चीज़ आती है तो उसका फीवर तुरंत चढ़ जाता है, और उतरने में टाइम लगता है, पर बेचारे का फीवर तो भाई रात भर में उतर गया है। अभी पता नहीं इसमें कौन क्या बनाने वाला है। मैंने तो बहुत सारी डिशेज देख ली है कि मुझे बनानी है, पर जिन्होंने ख़रीदा है पता नहीं उनका शायद थोड़ा जोश कम हो गया ऐसा मुझे लगता है, बट भी नहीं बनो। तो चलिए मैं बना रही हूँ मसाला भिंडी पुदीना राइस। पुदीना राइस बनाए हुए काफ़ी दिन हो गए, तो पुदीना राइस एंड दाल एंड रोटी। मैंने क्या किया है कि ये थोड़ा सा मोटा मोटा पीस लिया है, मैंने ऐसे बारीक बारीक नहीं पेस्ट नहीं पीसा। अगर आपको पेस्ट पीसना है तो आप पेस्ट पीस सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सा ऐसा मोटा सा चाहिए था, तो मैंने इसे थोड़ा मोटा मोटा पीसा है, और चावल को भी धोकर रख दिया है। अब बस इसमें मैं फ्राई करूँगी और पकने को रख दूँगी। तो ये हो गया आपका पुदीना राइस और मसाला भिंडी, चलिए बनाते हैं।
सो जो पापड़ मैंने अभी एयर फ्रायर में डाला था उसके साथ ये हो चुका है। पता नहीं कौन सा तरीका है पापड़ फ्राई करने का। सो फाइनली मैंने अपने जो भी बचे पीछे पापड़ थे वो वहाँ से निकाले और माइक्रोवेव में ही डाले। मेरा माइक्रोवेव भी बेस्ट था तो माइक्रोवेव में सही से उन्हें वो कर दिया है, आप देख सकते हैं। सो कभी कभी एयर फ्रायर ऐसे भी हाल कर देता है आपके पापड़ का और माइक्रोवेव ऐसे कर देता है। तो तैयार हो रही हूँ अनिका को लाने के लिए, टाइम हो चुका है उसका घर आने का। तो बस मैं और राज उसे जा रहे हैं लेने। आज मेरा ऑफिस तो स्किप हो गया क्योंकि स्पीकर महाशय ने डिसाइड किया कि वो स्किप करेंगे मेरा ऑफिस। तो हो गया अच्छा खासा, सुबह मेरा पूरा रूटीन बन गया था कि मैं जल्दी कर कर ऑफिस जाऊँगी। बट स्पीकर थैंक्स, और स्पीकर के लिए कुछ एक बनना सी राज को बिल्कुल भी मतलब एक मिनट का भी सब्र नहीं हो रहा है। पूरे दिन स्पीकर 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 चल रहा है। और एक बंदा भी आने वाला था स्पीकर के कुछ फीचर्स बताने के लिए, एयर फ्रायर के भी फीचर्स बताने के लिए एक बंदा आने वाला था, तो पता नहीं दोनों भी आए नहीं आज। तो आज ही आ जाए तो अच्छा है, जिससे मेरा कल वापस से ख़राब ना हो और फिर मैं घर पर ना रह जाऊँ। क्योंकि मतलब खुद का ऑफिस होता है ना,
यही होता है सच्ची में, मतलब आप पूरा ग्रांटेड लेने रखते हो, वही मेरे साथ हो रहा है। और आज मैंने अपने फेस पर कुछ भी नहीं लगाया, नथिंग ऑन माई फेस। बहुत अच्छा लगता है गाइस जब आपकी स्किन इतनी अच्छे से वो करती है ना, बहुत अच्छा लगता है। बस अभी मैं बाल बनाऊंगी एंड ऐसे ही जाऊंगी, टाइम हो गया, चलो हम लोग जाते हैं अनिका को लेकर आते हैं। ओके, तो मिस अनिका जो है स्कूल से आ चुकी है और रूटीन हो चुका है और अभी वो खा रही है खाना। देखती हूँ तुमने स्कूल में कितना खाया है। बेसन का चीला लिया था जो कि आधा वापस आ चुका है। उसके बाद मैंने दी थी पूरी भाजी जो कि फिनिश हो चुकी है थैंक गॉड, और सॉस बनाना एक ही लिखा है चीला, क्योंकि चीला आपने बहुत ज़्यादा लिया था। अच्छा, एक ही था वो, चलो एक ही था लेकिन आपने ब्रेड चीला नहीं दिया। अच्छा, उसका दे अच्छे से बैठो, अच्छे से बैठो खाओ। चलो ओके, तो स्कूल से आने के बाद खाना पीना खाने के बाद और बहुत सारे गाना गाने के बाद, मतलब ये जो न्यू स्पीकर आया है ना उसमें अनिका ने इतने सारे गाने गाए हैं ना, और फिर फाइनली अनिका थक गई एंड सो गई। तो वो सोने के बाद मैंने अपना थोड़ा काम था वो ख़त्म किया और बस अभी जा रही हूँ मैंगो खाने। अभी भी मैंगो खाने से मेरा मन नहीं भरा, सीज़न ख़त्म हो गया पर मन नहीं भरा है गाइस, अभी भी मतलब इतने मैंगोज़ दे दो आई एम रेडी टू ईट, ऐसी हालत है। क्योंकि मुझे मैंगोज बहुत पसंद है एंड आई एम श्योर आपको भी पसंद होंगे, क्योंकि मैंगो होती है ऐसी चीज़ है यार कि उसकी खुशबू काफ़ी है। सच्ची में यार ये तो बहुत ही अच्छा मेरे घर है। ओके, तो बस अभी पूजा जो है ऑफिस गई है, ऑफिस बंद करने का टाइम हो चुका है। जी हाँ, शाम के 6:15 बज गए हैं। मैंने अभी अभी 6 बजे वीडियो भी पब्लिश किया है
और आजकल यार मैं धड़क मूवी के जो ट्रेलर्स है ना बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मतलब आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू वॉच द मूवी, क्योंकि सैराट आपको मराठी मूवी पता ही होगी, सैराट झालं जी, पता नहीं यही गाना है ना, सैराट झालं जी भी ऐसा। मतलब मुझे मराठी गाने थोड़े कम आते हैं, सैराट के तो पक्का आते हैं, झालं जिंग 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 तो वो तो पूरा आता है मुझे। फ़ोन बज रहा है, जस्ट वन मिनट। सो ओके, मैं बात कर रही थी सैराट की, मैं आ चुकी हूँ वापस क्योंकि एक फ़ोन आ गया था, तो बात वगैरह हो चुकी है। तो सैराट मूवी के जो भी सॉन्ग्स हैं ना मुझे बहुत पसंद है, और झिंगाट तो ऑल टाइम फेवरेट है, और जो सैराट का टाइटल सॉन्ग है ना वो भी बहुत ऑसम है। सो अभी जो न्यू धड़क मूवी आई है जिसमें जाह्नवी एंड ईशान दोनों भी है, आप सभी को पता ही होगा, जाह्नवी का मेकअप गाइज इट्स समथिंग लाइक, मुझे बहुत पसंद है। मतलब पता नहीं आप सभी का, मुझे बताइएगा, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड उसका जो सिंप्लिसिटी वाला मतलब जो मेकअप है ना, उसमें कोई मतलब हाई फाई ऐसा कुछ वो नहीं है, मतलब एकदम ऐसा बोल्ड या ऐसा नहीं, एकदम सॉफ्ट स्मोकी जो लुक क्रिएट किया ना ब्राउन के साथ, आपने देखा होगा ना पीच एंड ब्राउन, इनफैक्ट कोई भी लिप शेड इतना डार्क यूज़ नहीं किया, सारे न्यूड काइंड ऑफ ब्राउन या पीची समथिंग। तो वो सारी चीज़ें ना मेरे दिमाग में चल रही है क्योंकि यस आई एम अ बिग 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 मेकअप लवर एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये सारी चीज़ें। सो जो सभी उसी का एक मेकअप लुक मैं क्रिएट करने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपके साथ, आपको क्या बोल रही हूँ, चलो फिर मिलती हूँ मैं आप सभी को न्यू ब्लॉग में, विथ लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, विथ लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, विथ लॉट्स ऑफ गुड न्यू थिंग्स। कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि किरण कुछ इंटरेस्टिंग करो, प्लीज़ लेट मी नो मैं क्या इंटरेस्टिंग करूँ, मतलब आपकी लाइफ में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग होता है तो मुझे भी थोड़ा बताइए, जिससे मुझे भी इंस्पिरेशन आए और फिर मैं इंटरेस्टिंग चीज़ें करूँ, क्योंकि डेली बेसिस पर कुछ इंटरेस्टिंग करना इज़ रियली टफ गाइस। सैटरडे संडे फिर भी आप कुछ कर लो, बट ऑन डेली बेसिस क्या कर सकता है बंदा जब उसके पास इतना सारा काम हो। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट फॉर यू गाइज, एंड बहुत जल्दी धड़क मूवी वाला जो लुक है मैं आप सभी को के लिए लेकर आऊँगी, देखिएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे मेकअप पसंद है एंड आई एम श्योर आपको भी पसंद होगा, तभी आप मुझे फॉलो करते हो, राइट। सो चलिए फिर, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, आज का हैशटैग है बेस्ट लंच, क्योंकि आज का लंच बहुत टेस्टी बना था गाइज, मैं आपको बताना भूल गई, ओ शिट इतना टेस्टी बना था, पुदीना राइस वॉज ऑसम, एंड जो मैंने मसाला भिंडी बनाई थी ना वो तो बहुत टेस्टी बनी थी, एंड मैंने बहुत अच्छे से खाना खाया था, एकदम पेट मतलब ऐसे भर गया था। सो खाना बहुत अच्छे से खाया था, मतलब आदमी यार इतनी मेहनत अच्छा खाना खाने के लिए करता है, और जब वो अच्छा खाना खाता है ना तो वो क्या बोलते हैं, एकदम आत्मा से जब उसे शांति मिलती है ना, सुकून मिलता है उसकी, बोलते हैं ना जैसे हस्बैंड लोगों के लिए बोला जाता है कि उसके पेट का दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, वो आई थिंक हर एक आदमी के लिए, हर मतलब हर एक इंसान के लिए, कि उसका जो भी मन शांत है ना वो एक अच्छा खाने से होता है, अगर वो अच्छा खाना खा रहा है तो इट क्लियरली शोज कि उसका मन काफ़ी हैप्पी है। तो चलिए फिर इस व्लॉग को ख़त्म करती हूँ, एंड आज का जो हैशटैग है वो है बेस्ट लंच।